नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रोतिया। देखिए, आप लोगों के लिए एक अच्छे न्यूज है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ये एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी किया गया है जो आपके काम का है, और इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और उसके बाद यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ आपको एक्शन करना है तो एक्शन भी जरूर कीजिएगा। ये पब्लिक नोटिस 13/12/2019 का है, लेकिन अभी ये पब्लिक नोटिस अपलोड हुआ है। तो ये पब्लिक नोटिस से हमारा मूल उद्देश्य है कि जो आपके क्वेश्चन पेपर चैलेंज करने की जो अंतिम तिथि थी वो 13/12/2019 थी, जो एक दिन बढ़ गई है, यानी कि आज 14/12/2019 आज के रात लगभग 11:30-12 बजे तक जो है आप अपने क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं, इसके तिथि बढ़ गई है। तो ऐसे स्थिति में हम आपको इसलिए जानकारी दे रहे हैं ताकि बहुत सारे बच्चे चैलेंज कैसे करेंगे उसको जानकारी नहीं था, और बहुत सारे स्टूडेंट ने एनटीए को ये क्वेरीज भी भेजा गया था कि हम चैलेंज करें तो करें कैसे। तो इसलिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन दिया हुआ है, उस गाइडलाइन को पालन करते हुए आप भी चैलेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या करना है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो गाइडलाइन दिया हुआ है उस गाइडलाइन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के वेबसाइट में जाइए, vjcnet.nta.nic.in में, और उसके बाद में उसमें आपको जो है जो व्यू क्वेश्चन पेपर एंड चैलेंज प्रोविजनल आंसर की दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद में आप लॉगिन हो जाइए एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, फिर उसके बाद में सिक्योरिटी पिन भी मांगेगा। फिर जब आपका आपका जब जो आपका आईडी है वो खुल जाएगा, तब उसमें आईडी में ही जो है चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की दिया होगा, साथ ही साथ आपका जो है आंसर की क्वेश्चन पेपर दोनों दिया होगा, दोनों का मिलान कीजिए। मिलान करने के बाद में आपको लगता है कि जो ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें आपको दिखाई देगा शो होगा, फिर उसके बाद में आपको ये महसूस हो रहा है कि जो आपने आंसर दिया हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो आंसर की दिया हुआ है दोनों मैच नहीं हो रहा है, आपको लगता है कि आप सही हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एक्सपर्ट गलत हैं, तो आप उसको जो है चैलेंज करना है। चैलेंज करने के लिए आपको जो है कुछ सबूत देना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद में वहीं पर ही आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कर दीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा, सेव हो जाने के बाद में आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, 1000 रुपया पे करना पड़ेगा पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन का 1000 रुपया देंगे। यदि 5 क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो 5000 रुपया देना पड़ेगा, यदि 100 क्वेश्चन जो दिया हुआ है 150 क्वेश्चन दिया हुआ है तो 150 क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दीजिए, फिर उतना लाख रुपया आपको देना पड़ जाएगा। तो दोस्तों जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पब्लिक नोटिस है उस पब्लिक नोटिस के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि आपको लगता है तो जरूर कीजिएगा, नहीं लगता है तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा। ज़बरदस्ती करेंगे आपके पास में सबूत नहीं होगा, केवल आप अपने माइंड का प्रयोग करते हुए या आपके नॉलेज का प्रयोग करते हुए चैलेंज करते हैं तो आपको 1000 रुपया भी जाएगा और साथ ही साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपको हकीकत में लगता है कंफ्यूज्ड नहीं है उसका आंसर में, क्वेश्चन आप भली भांति जानते हैं, किताब में दिया हुआ है, वो भी किताब कैसा होना चाहिए, बुक्स कैसे होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, यानी कि जिसकी भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, पाठ्यक्रम में उसको सम्मिलित किया गया हो, ऐसे बुक ही चलेगा, ठीक है, नहीं तो अन्यथा स्थिति में आपका क्वेश्चन का आंसर जो है आपके हिसाब से सही होगा और आपके पास में प्रूफ होगा, उसके बावजूद भी आपका जो है सही नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों ये थी आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी, तो मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।